आओ रेट मारो हमारे फंक्शनों पर। एक काम करो, 3 हिजड़े मिलेंगे तुम्हें और 400 मर्द, और बुरा हमें कह रहे हैं। चलो भाई 400 मर्दों से जवाब लेकर आओ पहले। तो ये माशरे का रवैया कैसे चेंज होगा? मैं तो इसको चेंज होता नहीं देखता। नहीं, नहीं चेंज हो सकता फिलहाल। मुझे अगले 10 सालों में पाकिस्तान का रवैया चेंज होता हुआ नहीं बल्कि बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। हम मेरी बात सुने ना, अभी तक तो हम मरियम नवाज शरीफ की सियासत पर बात नहीं करते, उसकी खूबसूरती पर अटके हुए हैं। तो पहले ये इस खूबसूरती से सियासत का सफ़र ही जिस मुल्क में अभी तय नहीं हो पा रहा, उसमें आप हिजड़ों की बात क्या करेंगे? वो एक किताब है ना, बाजार हुसैन से पार्लियामेंट तक, तो धंधा नहीं करते? देखो धंधा करते हैं, मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरी कम्युनिटी नहीं करती। मैंने आपको बोला क्या सिर्फ मेरी कम्युनिटी करती है? भीख इलीगल करो मर्द के लिए औरत के लिए, जो कि है, लेकिन मांग रहे हैं ना, तब सिग्नलों से हमें भी उठाओ। धंधे के ब्रॉथल तुमने बंद कर दिए, रेड लाइट एरिया के हीरा मंडी बंद कर दी, नेपिया रोड बंद कर दिया। क्या आज होम बेस्ड सेक्स वर्कर्स फीमेल नहीं है? क्या ये जो हमारा जमजमा की रोड है, यहाँ पर रात को लड़कियां मजबूर खड़ी हुई नजर नहीं आती? लेकिन नहीं, धंधा करते हो तुम्हें हिजड़े ही नजर आते हैं ना सिर्फ। मैं बड़ी इंस्पायर हूँ, मैं फैन हूँ भुट्टो की, मैं पीपल्स पार्टी की नहीं हूँ, लेट मी क्लियर, पर भुट्टो की डेमोक्रेसी की मैं फैन हूँ। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो उनको जिस तरह से ली गई पावर्स, उनको जिस तरह हैंग किया गया, तो मैं बड़ा रिलेट कर पाई। ये वही माशरा है जिसने भुट्टो की जो फांसी थी ना उस पर मातम भी मचाया, ये वही माशरा है जिसने भुट्टो को फांसी लगने भी दी। तो इस माशरे से मैं क्या बात करूँ जिसको बनाने वाले की एम्बुलेंस 3 घंटे रोड पर ख़राब हो गई थी, जिसने उसकी बहन को गद्दारे मुल्क करार दे दिया, उस मुल्क से मैं क्या बात करूँ? मुझे बताओ, कोई बात नहीं कर सकते। जिसमें एक बहुत बड़ा आपका इस्लामिक स्कॉलर एक ऐसे बंदे के आकर मोमिन होने का सर्टिफिकेट देता है जिसके आंखों देखे फंक्शंस मैंने किए हैं। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ जो तकरीबन 8-9 साल नाच कर पढ़कर आई है, जिसने पाकिस्तान के हर जगह नाची है, जिसका हर तरीके के बंदे के साथ वास्ता पड़ा है, पर वो एसेक्सुअल है। मेरे साथ जो हुआ, मेरे जिस्म को जिसने हाथ लगाया उसने मेरी रजामंदी नहीं थी। So there is no intimacy. नहीं, there was only to cash, honestly, क्योंकि मुझे तो भाई पढ़ाई करनी थी, चाहे मैं नाच कर पढ़ती कुछ भी करती, कभी किराए के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी कभी बहुत और लोगों के लिए भी। मुझे सबका छोड़ो, मुझे अब मेरा जवाब दे दें सारी हुकूमत, मुझे सारे मौलाना मेरा जवाब दे दें। एक बंदी कह रही है उसका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो सेक्स पूरी ज़िंदगी नहीं करना चाहती, इस पर वो रिटन एफिडेविट देती है, पर वो कहती है मैं औरत हूँ। अब इसमें हराम और इलीगल क्या है? मैंने कुरान शरीफ पढ़ा ज़रूर है 22 दफ़ा, लेकिन मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें नादान हूँ, नहीं समझ पा रही होंगी। अब मुझे समझाओ, मुझसे लड़ो नहीं, अगर मैं समझूंगी तो बदलूंगी ना। लड़ाई से क्या, सोशल वॉर से आज तक किसी को क्या हासिल हुआ? मैं मर्द और औरत की आपके बारे में इतनी बातें बोली, पर यकीन जाने मेरे पर सबसे कम जुल्म मर्द और औरत ने किया, मेरे से सबसे ज़्यादा जुल्म ख्वाजा सरा ने किया, और इस पर कोई दो राय नहीं है। पेरेंट्स की तरफ अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाए, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ जाए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। एक्सेप्टेंस से ज़्यादा पेरेंट्स पढ़े लिखे हो जाए ना तो एक्सेप्टेंस आएगी। पेरेंट्स के ऊपर आप कोई भी कानून बना दो, कुछ भी कर दो, ये और डैमेज करेगा हमारे रिलेशनशिप्स को। पेरेंट्स बोलेंगे मतलब क्या मनहूस को बेयर करना पड़ रहा है, जलालत है, और हमें कुत्ते की तरह रखेंगे फिर। लीगल और इलीगल तो बड़ी बात की बात आ जाती है ना भाई साहब। लीगल तो खैर फीमेल्स के सिलिकॉन्स कराना क्या ब्रेस्ट में लीगल है, उस पर तो डिबेट नहीं हुई। क्या एबॉर्शन कराने के ऊपर बड़ी डिबेटें जो हुई, लेकिन हुआ ना, होते हैं या नहीं होते, कहाँ नहीं हो रहे एबॉर्शन? क्या आपकी काम वाली ने आपसे नहीं पूछा मैं फिर से 6ठी दफ़ा माँ बनने वाली हूँ, मैं क्या करूँ? हो रहा है ना, सिर्फ हमारे ऊपर ही आकर ख़त्म हो गया ये इनका इलीगल उलीगल। तो ऐसे ही ना मैं बैठी हुई थी, हम लोग लंच कर रहे थे, मैंने बोला यार इंडिया वेंट इनटू चंद्रयान उनका सक्सेसफुल हो गया, एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। मैं क्यों बोलूँ, झूठ बोलूँ मैं हैप्पी नहीं हूँ? तो समबडी सेड टू मी मजाक में, हाँ जाने दो उन लोगों को, जन्नत में तो हमने ही जाना है ना। डू यू थिंक कि ये पॉजिटिव साइड पे जो है ये चेंज आ रहा है, वो एक्सेप्टेंस आ रही है? यार क्लोज डोर्स में यस, जब डोर ओपन होते हैं नो।
बंद कमरों में हर कोई हमारा दोस्त है। हम एक मर्द की बात कर रहे हैं, लुत्फ लेने की बात कर रहे हैं, तो उनका इशू जो है वो हिपोक्रेसी है। वो एक तरफ लुत्फ ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो डिसओन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं कौन भाई ये ख्वाजा सरा, तो इस माशरे का जो है वो नासूर है। के घरों पे मैं नाची हूँ ना, कि नाम बोलना शुरू किया ना तो शर्मा जाएंगे। ठीक है, बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, मेरा मुंह मत खुलवाओ।